वो सो गई, अब छुट्टी। हाँ? क्या कहा फिर से कहो। माँ जी सो गई, हाँ। अब मैं जाऊं। ये हाथ हटा लो यहां से। हाथ ही तो रखा था, कौन सी गोली मार दी थी जो भिना रहे होते तुम? हाँ? बापू ने कहा है ना मेहमानों से मीठा बोलो। हाँ? मैं जाती। कहाँ जा रही है? अपने सैया के पास। सैया के पास जा रही हो अपने? हाँ जी, सैया के पास जा रही हूँ। 6 घंटे से तो यहाँ बंद हूँ। बेचारा मेरी जान को कोस रहा होगा। ओ, तो मिलना था आज उससे? तुमने तो देखा ही नहीं मेरे सैयों को। मैंने नहीं देखा। बड़ा नटखट और प्यारा प्यारा है। अगर मैं उससे किसी दिन ना खेलूं या 2-4 बार उसे गले से न लगा लूं तो भूख हड़ताल कर देता है, कुछ खाता ही नहीं। तुम कैसी लड़की हो जी, सब खुल्लम खुल्ला बातें करती जाती, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कोई करने वाली बात है? इसमें शर्म की कौन सी बात है जी, मुझे अच्छा लगता है। चलो तुम्हें भी अपनी सैया से मिला दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मिलता। नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों नहीं मिलते उसे? मैं नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलते तुम? अरे वो मुझे तुम्हारे साथ देख के बुरा नहीं मानेगा वो? जान से मार दूंगी उसे। आओ। बड़ा रोब गांठ रखा उसमें मालूम होता है। हाँ, मैंने पहले ही कह दिया था। क्या कह दिया था? मैंने कह दिया था कि देखो सैया, मैं तुमसे मीठी मीठी बातें करूंगी, खेलूंगी भी तुम्ही से, मगर रोब मेरा रहेगा। मान गया वो? और करता भी क्या, उल्लू कहीं का। देखो जी, तुम मेरे सैया को गाली मत दो। सारा अगर सामने आता ना तो एक चांटा भी मार देता। ऐसा बात करो, मेरा सैया बड़ा शर्मिला है, बेगानों से घबराता है। सुनो, ये चोरी चोरी मुलाकातें होती हैं क्या? तुमसे क्या चोरी, इधर आओ, अभी बुलाती हूँ। सैया, सुना तुमने? ठहरो सैया। ये तुम्हारे सैया की आवाज थी क्या? कितनी मदभरी आवाज है मेरे सैया की, वो क्या। सैया, ये है मोती बाबू। मोती बाबू, ये है मेरा सैया। आदाब, ऐसे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं इनके साथ ऐसे चलाया था, आपने बुरा तो नहीं माना? सुनता कम है क्या? हाँ? बोलता कम है। अच्छा। महीपत, महीपत जी महाराज, क्या भंग खा के सोया है? अरे दरवाजा खोलो महीपत। गुरुदेव, सुना आपने? कोई पुकार रहा है, फरियाद लेके आया है तुम्हारे द्वारे, पट खोल दो भंडार के। आओ तो देखा। नमस्ते महाराज, जरा रमन निकालो मेरी, देखो क्या लिखा है तकदीर में। आओ आओ, बैठो बैठो। कैसे बैठो? बैठो बैठो। ये तोते राम गुरुदेव, तंबाकू का व्यापारी। तंबाकू का व्यापारी, गांव का बोरा, अंदर बाहर दोनों एक हैं इसके। इसे जरूर बताइए महाराज, क्या समय बीत रहा है इसपे? बहुत बुरा समय बीत रहा है महाराज। तोते राम, गुरुदेव के चरण में सर नवाओ और इन गोटियों को अपने हाथ से फेंको। बहुत अच्छा। जय गुरुदेव। देखो क्या लिखा है। देखा गुरुदेव, इस भोले के सुखधाम में छलावा कांटे बिखेर रहा है। सुना तोते? मुझे बचा लो महाराज, परमात्मा के लिए इस छलावे को यहाँ से निकाल दो। बड़ी मनमोहनी सूरत है छलावे की। तोते राम, तुम्हारा तेज उसके सामने नहीं टिक सकता। महाराज टिका दो महाराज। आज की रात बहुत भारी है तुम्हारे लिए। ये मैं जानता हूँ। दोनों तरफ से प्रेम के बाण चल रहे हैं। तो कोई उपाय बताओ महाराज, के बाण रुक जाएं। उपाय? गुरुदेव, आपका भगत तोते राम आपके खजाने में 15 रुपया भेंट करता है। बहुत अच्छा महाराज, ये लो 15 रुपये महाराज। गुरु दक्षिणा गुरु के खजाने में डालो। डाल दिया महाराज, डाल दिया। और मेरी दक्षिणा मेरे हाथ में रखो, 6 रुपये। 6 रुपये? 6 रुपये। 6 और 15।
21 रुपए, अब तो उपाय बताओ महाराज। जाओ, गुरु भला करेगा। गुरु भला करेगा? आपने मेरी बात तो सुनी नहीं, फिर भला कैसे? गुरुदेव जानी जान है। गुरुदेव जानी जान है। छलावे के रूप में परदेसी मेहमान बन के आया है। हाँ, और तुम्हारी प्रियतमा पे प्रेम के डोरे डाल रहा। जय हो महाराज, आप सच में जानी जान है। मैं नहीं गुरुदेव। एक ही बात है महाराज, महाराज गुरुदेव से कहिए कि परदेसी का सत्यानाश हो जाए या इस गांव का पानी उसे मुआफिक ना आए, किसी तरह भी महाराज वो यहां से गोल हो जाए, वरना अपनी दाल कच्ची रह जाएगी महाराज। गुरु की कृपा चाहिए, दाना दाना गल जाएगा दाल का। दाना दाना गल जाएगा। जय हो महाराज। बयानवे, 100, 120, 220, 320, 420। 420? वो माँ जी कहती है तुम इसमें दूध नहीं पियोगे, क्या वो ठीक कहती है? ठीक कहती है माँ जी, मैं ये दूध नहीं पियूंगा। क्यों नहीं पियोगे? इसलिए कि मैं जानता हूँ कि तुमने इस दूध में जहर घोल रखा है। तुम समझे नहीं कि मैं तुम्हारी बातों में आके से पी लूंगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा ख्याल गलत है। डर गए। ये कौन कहता है? जहर भी पियो अपने हाथ से, तुम पिलाओ तो कुछ बात है। अच्छा, मरने से पहले कुछ कहना है? सब तुम पे छोड़ा। घबराती क्यों हो गुइया? हमने तो कुछ देखा ही नहीं। चलोगी नहीं पनघट पर? अरे तू क्यों रंग में भंग डालती है? चल हम ही चले। चलो चलो, चलो, चलो। ए गांव की गोरियों, तुम्हारी रानी, मेरा मतलब है मेरे सपनों की रानी तराना नहीं आई तुम्हारे साथ? वो तो प्रेम के दौर में बंद गई है। क्या कहा, मेरे प्रेम की दौर में? वाह गुरुदेव। अरे मूर्ख महाराज, तेरे प्रेम का धागा तो कच्चा निकला, उसे तो परदेसी ने अपने प्रेम के पिंजरे में बंद कर लिया है। तो क्या मेरे प्रेम का पिंजरा लटकता ही रहेगा? अरे पागल प्रेमी, तेरी तराना तो परदेसी को दूध पिला रही थी। दूध पिला रही है परदेसी को? क्या परदेसी दूध पीता बच्चा है जिसे तराना दूध पिला रही थी? ये तो अपनी तराना से जाके पूछो। चलो जी चलो। तराना से क्या, तराना के बाप से पूछूंगा? परदेसी को दूध पिला रही है? तुमने कुछ सुना सूटा, तराना परदेसी को दूध पिला रही थी? तो उसमें क्या हुआ? तो उसमें क्या हुआ, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे जरा सोचो तो सही, अब तो सोच लिया ना, कुछ हुआ कि नहीं? मंगेतर मेरी और दूध पिलाए परदेसी को। अरे वाह, तेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं तोते। अच्छा, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं? तुम बाप हो ना, ऐसा ही सोचोगे। बापू, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अब तराना से कह दो कि काले कुत्ते को दूध पिलाए लेकिन परदेसी को नहीं। बड़ा सुहारा देश है तुम्हारा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये छोटा सा खूबसूरत गांव, और छोटे से खूबसूरत गांव में एक छोटा सा खूबसूरत घर, और छोटे से खूबसूरत घर में छोटी सी खूबसूरत एक जंगली पहाड़न लड़की है। और बिल्लौर की दो बनी हुई छोटी छोटी सी खूबसूरत कोठरियां जिनमें वो जंगली पहाड़न लड़की परदेसियों को कैद कर देती है। कौन सी दो कोठरियां? ये दो बावरी नहीं,